एनाटेक्टिस यूट्यूब चैनल। तो भाई सबसे पहले आज आपको बता देता हूँ कि यार यहाँ पर आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपनी पबजी अकाउंट को कैसे अनबैन करना है। तो भाई आज का जो वीडियो है उसको आपको एंड तक वॉच करना है। तो भाई आप पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप समझ जाएंगे क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, सब आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन यार आपको एक कंडीशन है कि यार आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है, नहीं तो यार अगर हमसे एंड तक वॉच नहीं करोगे तो आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे और यार फिर वो आपका जो इशू है वो थोड़ा और बड़ा बन सकता है। हो सकता है आपको कभी भी आपकी जो पबजी अकाउंट है वो वापस ना मिले। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा आपके इस छोटे भाई के लिए। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि यार जो हमारी पबजी की अकाउंट होती है वो बैन क्यों होती है। तो यार सबसे पहला रीजन ये होता है कि अगर आप पबजी को हैक करने की कोशिश करते हो या फिर कोई बाईपास ट्रिक यूज करने की कोशिश करते हो तो आपकी जो पबजी की अकाउंट होती है वो बैन हो जाती है। दूसरा रीजन ये होता है कि आप कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज करते हो जैसे कोई GFX टूल, ताकि आपका जो पबजी है वो स्मूथली चल सके। क्योंकि यार जो 1 या फिर 2 GB रैम का फोन जिनके पास होता है उनके यहाँ पबजी अच्छे से नहीं चलता है, तो वो चाहते हैं कि जो पबजी है वो स्मूथली चले। तो उसके लिए वो एक ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं जिसका नाम है GFX टूल और उसमें कुछ सेटिंग्स कर देते हैं जिसकी वजह से उनका जो पबजी अकाउंट होता है वो बैन हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात गाइस अब आपको करना क्या है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा इस वीडियो में। तो उसके पहले आपको बता देता हूँ कि आपको कोई भी कम्युनिटी वायलेशन को वायलेट नहीं करना है, क्योंकि गाइस उससे आपकी जो पबजी अकाउंट है वो परमानेंटली टर्मिनेट हो सकती है, आपको कभी भी वो नहीं मिलेगी, ऐसा हो सकता है। दूसरी बात गाइस आपको यहाँ पे कोई भी हैक नहीं करना है। तीसरी बात आपको यहाँ पे GFX टूल यूज़ नहीं करना है। चौथी बात आपको यहाँ पे VPN का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आपकी अभी तक पबजी अकाउंट बैन नहीं हुई है। ठीक है, या फिर अगर अनबैन हो जाती है तो उसके बाद जो आप अकाउंट मिलेगी मतलब वही अकाउंट में आपको वापस ये सब काम नहीं करना है। तो अब बात कर लेते हैं कि यार आपको ये पबजी की अकाउंट है वो कैसे अनबैन करनी है। तो सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पे स्क्रीन देखने को मिल रही होगी, तो आपको करना क्या है आपको अपने फेसबुक अकाउंट के अंदर आ जाना है जिससे आपको जो पबजी है वो लिंक्ड है। ठीक है, तो आपको उस वाले फेसबुक अकाउंट के अंदर आना है, फिर आपको सेटिंग्स के आइकन पर जाना है। सेटिंग्स पर जाने के बाद ऐप्स एंड वेबसाइट्स पर जाना है और फिर गाइस एक ऑप्शन आता है आपका यहाँ पर कि लॉग इन विथ फेसबुक, उसके ऊपर आपको सिंपली जो है क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जितने भी ऐप्स एंड गेम्स जो आपने जिससे फेसबुक के सर्वर को कनेक्ट कर रखा है वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपको करना क्या है यहाँ पे पबजी भी आएगा है ना, तो आपको उस पर सिंपली क्लिक करना है और उसको रिमूव कर देना है। ठीक है, तो ये बात होगी कि आपको कैसे करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ इससे क्या फ़ायदा होगा, इसका क्या नुकसान है, क्या है सब आपको बताता हूँ। तो अब आप जब ये कर दोगे तो आपका जो जितना भी क्या बोलते हैं आपके जो अनलॉक मतलब जो आईडी बैन है वो अनबैन होने के 99% चांसेस बन जाते हैं। तो अभी आपको जो है अभी आप जो पबजी खोलोगे ये काम करने का तो आपकी अकाउंट जो है बैन ही रहेगी। लेकिन अब सुनिए, सबसे पहले अभी आप देखिए अभी सीज़न 13 चल रहा है, तो 2 सीज़न के अपडेट आने के बाद आपको अपनी पबजी के अकाउंट को ओपन करना है। तो उससे होगा क्या कि जो पबजी है उसको लगेगा कि यार इसने तो पबजी खेलना बंद कर दिया है, तो यार वो कोशिश करेंगे आपके अकाउंट को अनबैन करने के लिए। ठीक है, पहली ये चीज़ हो गई। दूसरी बात यार आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर यार जो लोग कहते हैं कि यहाँ पर आपको बर्थ डेट को 10 साल पीछे कर देना है, ऐसे कर देना है, वैसे कर देना है, तो उससे कोई भी यार फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि यार पबजी का सर्वर इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो नहीं समझ पाएगा कि यार इसने 10 साल पीछे कर दिया है, तो वो नहीं समझेगा। जब तक का आपका बैन है तभी तक का वो आपको अनलॉक करके देगा। ठीक है, तो दूसरी बात अब ये हो जाती है कि आपकी जो अकाउंट है वो कितने दिन के लिए बैन होती है, कब आपको यूज़ करनी है वो अब मैं आपको बताता हूँ। तो यार कुछ रीजंस होते हैं, जैसे आप कोई गेम प्ले खेल रहे हो उसमें यार कभी कोई हैकर आपके गेम प्ले में आ गया और आपके साथ खेलने लगा, तो उस केस में आप पबजी को लगता है कि आप ही हो वो हैकर और आप हैकर्स के साथ खेल रहे हो, तो उसमें 7 दिन का जो है आपका अकाउंट वो है बैन हो जाता है। ठीक है, 7 दिन के लिए आपका अकाउंट बैन हो जाता है, तो उसमें आप कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, 7 दिन बाद अपने आप वो अनबैन हो जाता है। अब यहाँ से जिन भाइयों का 2 से 3 महीने का बैन हुआ है वो मेरी पिछली वीडियो ज़रूर से देख लो, क्योंकि यार उसमें काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे, मतलब 50% लोग ऐसे थे जिनके अकाउंट तुरंत अनबैन हो गई थी या फिर 7 दिन का रह गया था जो 10 साल का था। तो आप मेरे कमेंट्स भी जाकर उस वीडियो में पढ़ लेना, उसकी लिंक आपको आई कार्ड में एंड स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वो वीडियो ज़रूर से देख लेना। अब यार यहाँ पर बात करें 10 साल बैन वालों की, तो जो मैंने अभी ट्रिक बताई आप उसे यूज़ कर लेना, तो 99% चांसेस है कि आपकी जो अकाउंट है वो अनबैन हो सकती है। ठीक है, लेकिन यार जितने भी बंदे इस वीडियो को
वॉच कर रहे हैं प्लीज़ जाके आप मेरा पिछला वीडियो देख लेना, क्योंकि उसमें भी मैंने यही बताया था कि आपको पबजी अकाउंट को कैसे अनबैन करना है। और जिसने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है यार आप बहुत ही लकी हो, क्योंकि यार यहाँ पर आपको सारी बातें पता चल रही हैं कि क्या अनबैन होती है अकाउंट, क्या नहीं होती है। और दूसरी बात यार, आज के बाद मत सर्च करना कि पबजी अकाउंट को कैसे अनबैन करना, क्योंकि यार इसके अलावा कोई भी ऐसा मतलब ट्रिक नहीं है। एक ट्रिक थी जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दी थी, उससे काफ़ी लुक्का हो गया था, और ये एक ट्रिक मैंने अभी आपको बता दी। इसके अलावा सच में यार कोई भी ट्रिक नहीं है, और ना आपको किसी को पैसे देने ना कुछ करना है, आप यही कर सकते हो। अगर नहीं होता है तो जो 2-3 महीने आप सीजन अपडेट के लिए रुकोगे तब तक आपको रुकना नहीं है। अगर आपको पबजी खेलना है तो आप दूसरे अकाउंट बना के खेल सकते हो, और फिर आपको जो अपनी पुरानी अकाउंट है वो वापस मिल जाएगी। और दूसरी बात यार, आपको जब अकाउंट वापस मिल जाते तो यार प्लीज़ भी कोई VPN और ये सब यूज़ मत करना, नहीं तो फिर से बैन हो जाएगी अकाउंट। तो चलिए मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में अच्छा सा कमेंट कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर देना। और चलिए मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक बाय और टेक केयर।